आज की इस वीडियो में मैं आपको लो एंड पीसी के लिए स्मार्ट गागा का एक मेगा लाइट वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूं। यह एमुलेटर बेसिकली एंड्रॉइड 4.4.2 को सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड 4 होने की वजह से आप इस एमुलेटर को किसी भी लो एंड पीसी पे यूज कर सकते हो। अगर आप इस एमुलेटर को 1 कोर एंड 1 GB रैम भी असाइन करोगे तो फिर भी यह एमुलेटर फ्री फायर को स्मूथली रन करेगा। यह एमुलेटर फ्री फायर की फेसबुक, गूगल एंड VK लॉगिन को सपोर्ट करता है। साथ ही आप गेस्ट आईडी बना के भी इस एमुलेटर पे फ्री फायर खेल सकते हो। अगर आप इस एमुलेटर को विदाउट एनी एरर अपने पीसी पे यूज करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना ताकि आपको इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो के पिन कमेंट में इस एमुलेटर को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। सिंपली से आप लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ये एक जिप फाइल है जिसको अनजिप करने पे यहाँ पे आप लोगों के पास एक फोल्डर मिलेगा इंजन वाला। इंजन वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद अगर आप लोग स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटन वाली एक लॉन्चर फाइल देखने को मिलेगी। सिंपली से आप लोग इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और इसका एक शॉर्टकट हम लोग डेस्कटॉप पे बना लेंगे। इस वाले शॉर्टकट को हम लोग स्मार्ट गागा मेगा लाइट के नाम से रीनेम करेंगे और रीनेम करने के बाद सिंपली से आप लोग इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जैसे ही आप लोग इस एमुलेटर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में मिलेगा। अगर इसमें एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो ये एमुलेटर बेसिकली एंड्रॉइड 4.4.2 को सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड किटकैट होने की वजह से आप लोग इस एमुलेटर को किसी भी ओल्ड या फिर लो एंड पीसी पे चला सकते हो। अभी अगर आप इसकी एमुलेटर सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो बेसिक में हम लोग एग्जिट ऑप्शन को एग्जिट डायरेक्टली पे सेट करेंगे। अगर आप लोग एडवांस में आते हैं तो टैबलेट पे क्लिक करके आप लोग अपने पीसी के हिसाब से कोई भी एक रेजोल्यूशन वैल्यू यहाँ पे चूज कर लेंगे। सीपीयू कोर्स में हम लोग इस एमुलेटर को 1 कोर और 1 GB रैम असाइन कर देंगे। रेंडरिंग मोड को आप लोग डायरेक्ट एक्स पे सेट करेंगे एंड साथ ही आप लोगों के पीसी के साथ जो भी माइक्रोफोन या फिर स्पीकर अटैच होंगे उनको चूज करने के बाद यहाँ पे आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे और एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे ताकि जितनी भी हमने ये चेंजेस की हैं वो इस एमुलेटर में अप्लाई हो सके। एमुलेटर को रिस्टार्ट करने के बाद अभी हम लोग इसमें फ्री फायर को इंस्टॉल करने वाले हैं। फ्री फायर या किसी भी एपीके फाइल को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग इस एपीके फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस एमुलेटर में इंस्टॉल करवा सकते हो। मैं इस एमुलेटर में फ्री फायर की न्यू अपडेट OB45 की ग्लोबल वर्जन की एपीके फाइल यूज करने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहो तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसे फ्री फायर की न्यू अपडेट OB46 आएगी तो उसकी एपीके फाइल को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही फ्री फायर इंस्टॉल होगी तो अभी आप लोगों ने इसको ओपन नहीं करना। अगर तो आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट गूगल पे बना हो तो आप लोग एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाके उसको सिंपली से ऐड कर लेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट VK या फिर फेसबुक पे बना हो तो सिंपली से आप लोग उसको क्रोम ब्राउजर या फिर फेसबुक ऐप में जाके ऐड कर लेंगे। इस तरह से अकाउंट्स को लॉगिन करने के बाद अभी आप लोग सिंपली से फ्री फायर को ओपन करेंगे। इस एमुलेटर में आप लोगों को फ्री फायर से रिलेटेड कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस जब तक फ्री फायर ओपन होती है जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना क्योंकि फ्री फायर और एमुलेटर से रिलेटेड जितनी भी हेल्पफुल वीडियोस होती हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मेरे चैनल पे देखने को मिल जाती हैं। फ्री फायर ओपन करने के बाद अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास VK एंड गूगल दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। साथ ही आप लोग फेसबुक और गेस्ट के थ्रू भी इसमें फ्री फायर आईडी बना के खेल सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि पहले आप लोग इसमें गेस्ट अकाउंट बनाओ और उसमें अपनी गेस्ट आईडी को सेटअप करके आप लोग इसमें पहले फ्री फायर को प्ले करके देख लो। अगर तो आप लोगों को ये एमुलेटर अच्छा लगे तो फिर आप लोग इसमें अपनी मेन आईडी को भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लोग गेम में एंटर होंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे काफी अच्छी सेंसिटिविटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसमें जो एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी आती है उसको भी आप लोग अपने माउस के हिसाब से सेट कर सकते हो। अभी हम लोग सिंपली से गेम से एग्जिट करेंगे और बाकी जो जितनी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। डाउनलोड सेंटर में जाके आप लोग वही एक्सपेंशन पैक को डाउनलोड करेंगे जितने रिसोर्सेज आप लोगों ने इक्विप किए होंगे। अभी अगर इस एमुलेटर में की मैपिंग के बारे में बात की जाए तो आप लोगों ने जॉयस्टिक वाले बटन के साइज को बिल्कुल कम कर देना है। साथ ही जो फायर बटन का साइज होगा इसको हम लोग 25 पे शिफ्ट कर देंगे। बाकी जो कीज होती हैं इनको आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो या फिर जिस तरह से मैंने की मैपिंग की है इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। इस तरह से की मैपिंग करने के बाद अगर आप लोग F1 प्रेस करते हैं तो जो की मैपिंग वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आप लोगों के पास स्क्रीन पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। दोबारा से अगर आप लोग F1 प्रेस करेंगे तो ये जो कीज आप लोगों के पास स्क्रीन पे शो हो रही होंगी वो यहाँ पे इनविजिबल हो जाएंगी। फिर भी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।